नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्सचर्स। मिक्सचर्स की बेसिक इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो कितने टाइप के होते हैं ये भी हम देख चुके हैं। सो लेट अस हैव अ क्विक रीकैप ऑफ इट। नाउ अ सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इज अ मिक्सचर। मिक्सचर वो होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स या एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों मिक्स हुए होते हैं, मिलकर जिस चीज को बनाते हैं उस सब्सटेंस को हम कहते हैं मिक्सचर। ओके, द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर और कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। जिस चीज से बनकर मिक्सचर बनता है, जिस चीज से मिलकर मिक्सचर बनता है उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर या फिर कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एयर की बात कर रहे हैं, एयर इज ऑल्सो मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो जिन गैसेस से मिलकर एयर बनी है उनको हम कहेंगे वो उस मिक्सचर एयर के कॉम्पोजिशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कॉम्पोनेंट्स हैं। ओके, एग्जाम्पल्स आर मिल्क, शुगर सोल्यूशन, इंक, सोप सोल्यूशन, पेंट, बटर एक्सेट्रा। ये सब मिक्सचर्स के एग्जाम्पल्स हैं। एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में कंपैरिजन हम करेंगे, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं ये हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी टॉक अबाउट होमोजीनियस मिक्सचर्स, तो मिक्सचर्स इन विच सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, अगर हम मिक्सचर की बात करें तो उसके अंदर अगर होमोजीनियस मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें अगर सब्सटेंसेस मिले हुए हैं तो वो कितने सब्सटेंसेस मिले हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस मिले हैं वो हम देखकर बता भी ना पाए, इतने अच्छे से वो मिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एड सॉल्ट टू वाटर, उसको मिक्स करने के बाद वो सॉल्ट जो है वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है एंड उसको अगर आप देखते हैं तो आप देखकर नहीं बता सकते कि हम इस वाटर के अंदर हमने सॉल्ट को ऐड किया। सो दैट मीन्स उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं कि उस सोल्यूशन के अंदर क्या मिला हुआ है, उस वाटर के अंदर हमने क्या ऐड किया है ये हम बता नहीं पा सकते। ठीक है, सो उनको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की बात करें, सो मिक्सचर्स इन विच सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट, मतलब अलग अलग रहते हैं, एंड वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस एज स्मॉल पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स और बबल्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चॉक पाउडर को वाटर में डिजोल्व करें, ठीक है, चॉक पाउडर को वाटर में डिजोल्व करने के बाद वो पार्टिकल जो है वो अनडिजोल्व रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं हो सकता। सो इफ यू सी दैट सोल्यूशन, अगर हम उसको देखें, उसको अगर हम वाटर के अंदर चॉक को डला हुआ देखें, सो यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश कि हाँ ये वाटर है और इसमें हमने चॉक को ऐड किया। मतलब सेपरेटली हम बता सकते हैं कि किससे मिलकर वो बना हुआ है। ओके, एंड जो चॉक के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं, वो वाटर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं हमेशा, मतलब वो हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सेकंड, होमोजेनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। फॉर एग्जांपल, हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया था, उसमें अगर आप कहीं से भी उसको देखो वो आपको एक ही जैसा नजर आएगा। ठीक है, एंड अगर हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स की बात करें तो उसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता। अगर हम चॉक इन वाटर का अगर हम देखें मिक्सचर, तो उसके अंदर अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऊपर आपको क्लियर वाटर नजर आएगा एंड नीचे आपको चॉक सेटल्ड नजर आएगा। सो एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है थ्रू आउट। नेक्स्ट, ऑल होमोजेनियस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशंस। हर होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं एंड द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड आर हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, लिक्विड के अंदर सॉलिड का सस्पेंशन, मतलब उसको सस्पेंड किया हुआ है हमने, जैसे कि एक वाटर के ग्लास के अंदर चॉक के पार्टिकल सस्पेंडेड हैं, वो मूव कर रहे हैं, वो डिसॉल्व नहीं है। ठीक है, नाउ द एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर्स आर सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉइल, विनेगर, एयर, पेट्रोल एक्सेट्रा। अगर हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स की बात करें तो वी हैव पेंट, मिल्क, वुड, ब्लड एक्सेट्रा। So this is all about mixtures. We will now move on to our topic compounds.